नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे सीज़न में बच्चों में इससे रिलेटेड बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें उल्टी दस्त होना और खांसी जुकाम ज़्यादा कॉमन है। अगर हम कुछ सावधानियाँ बरतें तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। जैसे उल्टी दस्त से बचाव के लिए बच्चों को बाहर का खाना न खिलाएं, घर का फ्रेश खाना इस्तेमाल करें। बच्चों को एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए जिसमें कि एक उचित मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल भी ऐड करे जा सकते हैं। इसके लिए हम कच्चे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीज़न में शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है, इसके लिए हम होममेड किसी भी लिक्विड का जैसे नारियल पानी, दाल का पानी, ORS, छाछ, शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में खांसी जुखाम से बचाव के लिए घर में किसी को बड़े को खांसी जुखाम हो रहा है तो बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए और बच्चे को खांसी जुखाम हो जाने पर और बच्चों को उनके कॉन्टैक्ट में आने से रोकें। यूजुअली इसमें फीवर शुरुआत के 24 से 48 घंटे ज़्यादा तेज होता है। ऐसा होने पर बच्चों को अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और जो दवाई दी गई है उसको टाइमली इस्तेमाल ज़रूर करें। छोटे बच्चों में इस सीज़न में वाटर बॉर्न डिजीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है जिसमें टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ज़्यादा कॉमन है। अमूमन ये देखा गया है कि ये सारी बीमारियाँ बाहर के खाने से ज़्यादा होती हैं, तो बाहर का खाना बच्चों में कम से कम यूज़ करना चाहिए और बच्चों में पानी भी साफ इस्तेमाल करें जैसे कि RO का पानी। इसी सीज़न में बच्चों में मलेरिया और डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बीमारियां भी इसी मौसम में ज़्यादा देखी गई हैं। बच्चों में मलेरिया के यूजुअली लक्षण होते हैं तेज़ बुखार होना, उसके साथ पसीने आना, उल्टी होना, सिर दर्द होना और डेंगू में बुखार होना, इसके साथ जोड़ों में दर्द होना और सुस्त हो जाना ज़्यादा कॉमन है। तीसरे चौथे दिन रैश भी डेवलप हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए, बच्चों को मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली जब बच्चे पार्क में जाएं। घर पे मच्छरदानी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। उम्मीद है इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करी है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।